सरकार का दावा है कि राज्य कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा गुरुवार से मिलनी शुरू हो जाएगी। उनको 21 जुलाई यानी आज से हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा, तो वही सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि सभी हेल्थ कार्ड पर यूनिक नंबर भी होगा, इससे नियमित और रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवार वालों को भी कैशलेस का लाभ मिलेगा। यूपी में कुल 75 लाख लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। आपको बता दें कि मौजूदा समय प्रदेश में 16 लाख कार्यरत और 12 लाख रिटायर्ड कर्मचारी है। योजना का लाभ के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी वेबसाइट पर सरकारी कर्मियों और पेंशन का पंजीकरण करना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें आयुष्मान भारत योजना से चयनित निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी। एक साल में कुल 5 लाख रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि पहली किस्त के तौर पर 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं 1900 निजी अस्पतालों में पहले से ही आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार की सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में इन्हें सीमित कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।